caste and scheduled tribe second amendment bill 2022 जो हमारे मंत्री महोदय ने लाया है उसके लिए हमारे मंत्री महोदय को डिपार्टमेंट को और हमारे प्राइम मिनिस्टर जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। ये चार ही जिलों में जो उत्तर प्रदेश के ये जाति रहते हैं गोंड समाज बेसिकली संत कबीर नगर में खुशीनगर में चांदोली में और रविदास एरिया में जो जिलों में ये गोंड समाज रहता था आज उन्हें एसटी में लाकर उन्हें न्याय देने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। इसके लिए पूरी सरकार का और हमारे प्राइम मिनिस्टर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी क्योंकि हमारे क्षेत्र में भी जिस क्षेत्र से मैं बिलोंग करती हूँ महाराष्ट्र में ऐसे महाराष्ट्र में गढ़चिरौली है अमरावती में है यवतमाल में है गोंदिया के कई भाग में है नंदुरबार में ऐसे ट्राइबल एरिया में जो हमारे लोग ट्राइबल लोग रहते हैं मैं ये बिल को समर्थन करती हूँ पूरे दिल से समर्थन करती हूँ। पर सर से मैं कुछ विनंती करना चाहूंगी कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में मैडम जो लोग आदिवासी समाज के लोग रहते हैं कितने सालों से रहते हैं हम बहुत सारे बेनिफिट्स केंद्र सरकार राज्य सरकार को देती है राज्य सरकार उसमें से 20-30% मैडम 20-30% ये क्षेत्र में पहुंचती है। पहला तो मैं सब्जेक्ट उठाऊंगी महिला बाल कल्याण के द्वारा जो केंद्र से उनको बेनिफिट स्टेट को जाता है और वो पूरा बेनिफिट हमारे लोगों तक पहुंचता नहीं है। आज सबसे ज्यादा प्रॉब्लम अगर पूरे देश में अगर कोई फेस करता है तो ये मेरी एसटी जो आदिवासी लोग हैं जो शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं इनको फेस करना पड़ता है। सिकल सेल की बीमारी सबसे ज्यादा वहां होती है जो खून की कमतरता से उनके डेथ्स जो होते हैं डेथ्स ऑफ रेज जो है हमारे क्षेत्र के बहुत ज्यादा है उसमें भी हाँ सर थैंक यू उसमें भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमारे लोग फेस करते हैं। सर उनके प्रोग्रेस के लिए हम क्या कर रहे हैं किस तरीके से हम बजट में इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं कि वहां तक उनको सीधे बेनिफिट्स मिलना चाहिए। आज अगर उनके फॉरेस्ट एरिया में जो फॉरेस्ट में कोर में रहते हैं जो टाइगर रिजर्व एरिया में रहते हैं उनको आने जाने के लिए रस्ते भी नहीं है। अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी वहां पे डिलीवर करने के लिए निकलती है बहुत सारी बार ऐसा होता है कि रोड खराब होने के कारण और वहां पे फैसिलिटी उपलब्ध ना होने के कारण उनकी मृत्यु बीच रस्ते में हो जाती है। शिक्षण के क्षेत्र में अगर आप देखते हैं तो पहली से आठवीं कक्षा वहां पे रहती है स्कूल्स की गांव में पर उनको टीचर्स उपलब्ध नहीं है। सर मुझे पता है ये स्टेट का विषय है पर केंद्र अगर जातियों को लाके एसटी शेड्यूल ट्राइब में उनको न्याय देने का काम कर रही है पर उनके प्रोग्रेस के लिए भी हम क्या कर सकते हैं जिस तरीके से फार्मर्स को डायरेक्ट बेनिफिट्स बेनिफिशरी को सीधे उनके अकाउंट में जाता है महिला बाल कल्याण को जितने भी हम पोषण आहार के योजना केंद्र से देते हैं वो स्टॉप करके सीधा आदिवासियों के खातों में उनके पैसे पहुंचने चाहिए उसके लिए हमें प्रावधान करना चाहिए। सर आपका दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी कि एकलव्य स्कूल देकर मेरे धारनी तालुकों के बच्चों को न्याय देने का काम ये केंद्र सरकार द्वारा किया गया है। पर मैं आपसे विनंती करूंगी सर कि जो भी क्षेत्र में ट्राइबल एरिया में लोग रहते हैं उनके हॉस्पिटल की फैसिलिटीज उनके शिक्षण की फैसिलिटीज उनके जो विमेन महिला बाल कल्याण के द्वारा जो भी योजनाएं हमारी केंद्र से जाती हैं वो डायरेक्ट उनके खाते में मिलनी चाहिए ना कि राज्यों को मिलनी चाहिए जिससे उनका पर्सनैलिटी और डेवलप कर सकते हैं उनके शिक्षण में मदद हो सकती है। अगर इसके लिए आपने सोचा और उनको डायरेक्ट बेनिफिट दिया तो मुझे लगता है हमारे शेड्यूल ट्राइब वाले एरिया के जितने भी लोग हैं सर उस दिन मैंने एक मुद्दा उठाया हमारे शेड्यूल ट्राइब के एरिया के जो आदिवासी लोग हैं कुछ गाँव में मैडम 70-80 किलोमीटर जाना पड़ता है सिर्फ बैंक के कामों के दौरान मनरेगा के द्वारा हमारे ट्राइबल एरिया में सबसे ज्यादा लाभ हमारे आदिवासी भाई लेते हैं। पर आज भी मेरे आदिवासी भाई पूरे अलग अलग क्षेत्रों में जाकर अपने घरों को पालन पोषण करने के लिए मजदूरी करते हैं। ऐसी कोई फैसिलिटी मिली जाए जो अपने क्षेत्र में वो रहें और अपने परिवार के साथ रह के उनका पालन पोषण कर सके ऐसी योजना पे भी हमें काम करना चाहिए जिससे उन्हें बेनिफिट मिले। सर मैं इतनी विनंती करूंगी और 4G जो ये केंद्र सरकार ट्राइबल एरिया के लिए ला रही है मेरे अमरावती क्षेत्र के लिए भी वो योजना का समावेश अमरावती जिले को करके ले जिससे हमारे स्टूडेंट हमारे विद्यार्थी उनके शिक्षण के लिए बहुत बड़ी मदद की जाए। सर कुछ जिले ऐसे कुछ क्षेत्र मेरे गांव ऐसे हैं जो 108 जो राज्य का विषय है मैडम उसमें अगर फोन करते हैं तो MP के बाजू में लगकर वो गांव है
तो वो एमपी में वो फोन जाता है और एमपी वाले बोलते हैं हम आपके राज्य में आके आपका पेशेंट उठा के हम हॉस्पिटल तक नहीं लेके जा सकते हैं। ऐसे गांव के लिए भी कुछ हमें सोचना चाहिए जिससे उन्हें बेनिफिट्स मिले। मैडम और हमारे मंत्री महोदय का जो पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स हमारे शेड्यूल ट्राइब लोगों के लिए है और हर योजना कैसे उन तक पहुंचे उसके लिए जिस तरीके से काम कर रहे हैं, मैं मंत्री महोदय का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी और ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मेरे क्षेत्र के लोगों को दीजिए, इतनी विनंती मैं आपको करूंगी। धन्यवाद।